different by other girls, we are doing GMAT for MPhil and PhD students. Is that clear? Now the next one is Katrina's body movement are like those of a dancer. ठीक है और A में भी वही होगा like those of a dancer. ठीक है और B the same as a dancer. Is that clear? C like a dancer. D a dancer's और E like that of a dancer's. अब मसला इसमें यह है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं कैटरीना का हमने कंपैरिजन किया दूसरे डांसरों के साथ ठीक है प्लूरल है तो लिहाजा जब हम कंपैरिजन में करते हैं तो फिर देन डोज ऑफ होता है देन डोज ऑफ याद रखिएगा कैटरीनाज मूवमेंट आर लाइक दैट ऑफ ए डांसर पहली और बी है द सेम एज ए डांसर ये गलत है ये रॉन्ग है असी लाइक ए डांसर ये भी गलत है क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना एक का ज्यादा के साथ या ज्यादा के साथ दूसरों के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं ना तो हम ज्यादा चुके होते हैं फिर डोज का इस्तेमाल करते हैं और फिर अगला है डांसर ये भी गलत है और ई लाइक दैट ऑफ डांसर ये भी गलत है अब हमारा आंसर जो है वो ए है यानी कैटरीना बॉडी मूवमेंट्स आर लाइक डोज ऑफ ए डांसर क्योंकि प्लूरल है ये डोज आएगा और कंपैरिजन है तो डोज ऑफ ए डांसर तो ए इज आवर आंसर